चलो ध्यान दो। हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग कैसे सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में। और उसमें कुछ मैंने ऑप्शन पढ़ाया था, कुछ ऑप्शन छोड़ा था। आज इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, एक एक करके स्टेप बाई स्टेप। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो, हम एक्सेल को ओपन करते हैं। और यहाँ पे जब डाटा टाइप में जाते हैं और डाटा वैलिडेशन में आते हैं, देखो एनी वैल्यू बता ही दिया था, होल नंबर पढ़ा दिया था। एनी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू ले लेगा। डेसिमल बता दिया था, डेट बढ़ा दिया था, टाइम बढ़ा दिया, टेक्स्ट लेंथ बढ़ा दिया था। बचा एक लिस्ट और दूसरा कस्टम। बोलो हाँ, एनी वैल्यू कोई वैल्यू ले लेगा, कोई वैल्यू कंडीशन कुछ नहीं। अरे प्रेजेंट में एनी वैल्यू है ना, अब टेक्स्ट लिखिए चाहे नंबर लिखिए चाहे 50 लिखिए चाहे 100 लिखिए चाहे 10 लिखिए, हाँ कोई भी। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते कैसे हैं और क्यों बनाया जाता है ये समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया प्रोडक्ट, नहीं उसके बाद से दे दिया यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है बाबू, हो गया। अब देखो प्रोडक्ट जो हमारा है ना, मैं बहुत सारा प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो जब बहुत सारा प्रोडक्ट बेचता हूँ तो आप लोग देखे होंगे, कहीं जाते होंगे आप लोग, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू बना होता है। ड्रॉप डाउन मेनू मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या? जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है उससे ये फायदा यह होता है कि जैसे वो ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसमें से किस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है या किसके बारे में जानना है उसी पे आप क्लिक करते हो। बोलो, मतलब पहले से लिस्ट बने होते हैं। जैसे मान लो हमारे कोर्सेज मान लो 5-6 हैं तो हम उसका लिस्ट बना सकते हैं, डीसीए, एडीसीए, ट्रिपल सी, ऑफिस मैनेजमेंट। बोलो, अब जो स्टूडेंट जाएगा ना चारों पांचों दिखेगा। अब जो कोर्स में एडमिशन लेना हो वहां पर क्लिक कर देगा। बोलो, वैसे ही मान लो हमारा कोई दुकान है और मैं जानता हूँ 5-6 ऐसे प्रोडक्ट जो हमेशा खरीदते और बेचते हैं, उसका हम एक लिस्ट बना लेंगे। अब लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा? बोलिए, लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, बस क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब यही होता है कि आपने यहाँ पे कोई हेडिंग दिया है, तो हमने कोर्स का हेडिंग दे दिया और कोर्स का जो हेडिंग दिया वो मेन हेडिंग है। तो जब भी कोई कोर्स पे क्लिक करे तो बताया हमारे यहाँ कोर्स चलता है डीसीए, एडीसीए, ट्रिपल सी, ऑफिस मैनेजमेंट, समझे? मान लो मुझे जानना किसके बारे में, एडीसीए के बारे में, कहाँ पे क्लिक करूंगा? एडीसीए। तो वैसे मान लो मेरा कोई फर्म दुकान है तो मैं कीबोर्ड बेचता हूँ, माउस बेचता हूँ, ठीक है, मोनिटर बेचता हूँ, उसका रिमोट बेचता हूँ। तो आप बताइए, इसका एक लिस्ट बना लेंगे ना, और जब भी बेचने जाएंगे तो लिखेगा प्रोडक्ट, और जैसे इसमें क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू बन जाएगा ऐसे, और जो ड्रॉप डाउन मेनू बनेगा इसमें क्लिक करेंगे सब शो हो जाएगा। और क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो? माउस, तो माउस सेलेक्ट कर लेंगे। बोलो, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो सेलेक्ट करना आसानी तरीके से किया जा सकता है वो सिंपल तरीका हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या इसका स्टेप है, कैसे करना होगा। तो प्रोडक्ट क्या है कि ड्रा वाला लिस्ट बनाना, बनाऊंगा कैसे? तो पहले तो मैं कहीं लिख दूंगा, मान लो हमारे यहाँ बेचा जाता है डेल कीबोर्ड, लिखूंगा डेल कीबोर्ड, उसके बाद से डेल का माउस, उसके बाद से हमारे यहाँ बेचा जाता है मॉनिटर, वैसे किसका सपोज लेनोवो कीबोर्ड, मान लो ये प्रोडक्ट बेचता हूं। अब इसी का लिस्ट हम यहाँ बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बार बार लिखना ना पड़े, सिंपल है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, साजिद क्लिक करूंगा और क्लिक करने वाले से कहाँ जाएंगे? डाटा टैब में, और डाटा टाइप के बाद डाटा वैलिडेशन सेटिंग और अलाउ दिखा है ना, यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या लेंगे? लिस्ट लेंगे। उसको अगला क्या है? सोर्स, और क्लिक करेंगे और सोर्स में जो हम लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कर देंगे ओके। अब बन गया, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच देंगे पूरा। अब जब भी बेचने आएंगे कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस क्लिक मॉनिटर, क्वांटिटी कितना? 2 पीस, रेट क्या है? 5000, कितने का है तभी निकालेंगे। फिर से दूसरा प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? डेल माउस, क्लिक, कितना पीस? 1 पीस, रेट क्या है? 3000। समाया यह होता है। अगर मान लो कोर्स कराता तो कोर्स का बना लेते। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ऐसा मेनू होता है, एक ऐसा लिस्ट होता है जिससे हमको कुछ ढूंढने में आसानी होता है, खोजने में। क्यों? क्योंकि जैसी बात है, अगर मान लो लिखूंगा तो पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, भूल जाएगा और लिखते समय दिक्कत होगी, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। हम पहले, मेरे पास टाइम है, उसका लिस्ट बना कर रख लिए, जब भी जरूरत पड़ेगा बस क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। बोलो चलो, मान लो कोई डाटा बना रहा है और वहां पे हम लिख दिए क्या? टाइटल, टाइटल, उसके बाद से नेम, मान लो क्लियर है। और टाइटल में हमको बस देना क्या है? मिस्टर और मिसेस, ठीक है, बोलो ये दिखाना है। बस क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, डाटा पे आएंगे, क्या लेंगे? लिस्ट, सोर्स में बस ओके, अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कौन है? तो मान लो रीता देवी का नाम लिख रहे हैं, बस क्या करेंगे, आप श्रीमती जो भी लगाए होंगे क्या लिख देंगे? रीता देवी, हो गया। मिस्टर कौन है? मिस्टर रोहन शर्मा हमारा है। यह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से फायदा होता है, बना ले जाओगे, कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें अगला जो लास्ट ऑप्शन दिया है ना, वह दिया है कस्टम। क्या दिया है? कस्टम। तो देखो कस्टम का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जब हमें अपने हिसाब से कोई कंडीशन लगाना हो। अब कैसा कंडीशन, जैसे मान लो यह क्या है जो यहाँ पे देना हमको मोबाइल नंबर ही देना है। क्या देना है? मोबाइल नंबर। आप बताओ मोबाइल नंबर में क्या इस सेल में टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है? क्या जरूरी है क्या? अरे जहां मोबाइल नंबर जिस कॉलम में जिस सेल में देना है क्या वहां पे टेक्स्ट जरूरी है? क्या नहीं ना है, केवल नंबर जरूरी है। इसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो सेल है केवल इसमें नंबर अलाउ करूं, केवल नंबर अलाउ करूं, टेक्स्ट अलाउ ना हो, टेक्स्ट अलाउ ना हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, उस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, उस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और सेल को सेलेक्ट करने के बाद कहां जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद सेटिंग अलाउ। ये नहीं वैल्यू दिख रहा है, क्या लेंगे कस्टम, और कस्टम में आने वाले से लगाएंगे फार्मूला क्या, इक्वल इज नंबर, इक्वल इज नंबर, अब ब्रैकेट को ओपन और सेल सेलेक्ट और कर देंगे ब्रैकेट को बंद। बस इतना ही काम है, बस कर देंगे ओके। अब देखो हम लिख देते राम, गलती से लिख दिया राम या राहुल, नहीं ले रहा है एबीसीडी कुछ, यही नंबर लिख दूं, ले लिया। तो कस्टम क्या करता है, जब अपने हिसाब से अगर कोई कंडीशन लगा के फार्मूला अप्लाई करना है तो वहां पे उसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ऐसा डाटा बना रहे हैं जहां पे केवल हमको क्या करना है, केवल नंबर ही टाइप करना है, तो क्या लगा सकते हैं, इज नंबर फार्मूला, जिससे फायदा हमको क्या होगा, अगर गलती से भी टेक्स्ट लिखने जाएगा तो लिखेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जहां जहां आपको चाहते हो वहां वहां सेलेक्ट कर लो पूरा, एक बार में लगा सकते हो। ऐसा नहीं केवल एक ही सेल में, एक ही कॉलम में 4-5-6 कॉलम एक बार सेलेक्ट कर लो और सब में लगा दो, सब में वही तरीका रहेगा। समाया कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ तो उसके लिए इज नंबर, उसके लिए बता दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन में आएंगे और लेंगे कस्टम और लिख देंगे इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, ओके हो गया। अब देखो लिखूंगा टेक्स्ट नंबर, टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट और नंबर दोनों लिख दोगे तो ले लेगा, हो जाएगा। चलो लिख लो इसको। अब नेक्स्ट अगला मान लो मैं सोच रहा हूं, जब लिख रहा हूं तब तो पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या गलती कर रहा हूं, क्या हमको करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं जैसे ही सेल में सेलेक्ट करूं ना, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे सेल में सेलेक्ट करूं या क्लिक करूं तो अपने आप मैसेज देके बता दे कि ओनली टेक्स्ट अलाउ, ओनली नंबर अलाउ, बोलो। इससे फायदा क्या होगा, गलती करने से पहले ही हम पता चल जाएगा और गलती बहुत ही कम करेगी। तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से वही सेल पूरा सेलेक्ट कर लो। देखो लिखो मत, ये समझने वाला है। उस सेल को सेलेक्ट कर लो, डाटा टैब में जाओ, डाटा वैलिडेशन में आओ और यही भी दिया देखो इनपुट मैसेज, दिख रहा है ना आपको, बस क्लिक कर दो और क्लिक करके पूछा जाता टाइटल, तो क्या हमको मैसेज दिखाना है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं इस समय, तो वैसे मैसेज आ रहा है द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, बोलो। मैं सोच रहा हूँ अपने हिसाब से क्या करूं, इस मैसेज को शो कराऊं, दिखाऊं, तो सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा और लिखूंगा वैलिड डाटा, या मैसेज दे दिया। और क्या मैसेज कराना है, तो हमने लिखा ओनली नंबर अलाउ, ठीक है। मतलब जो भी मैसेज है अलाउ, ओनली नंबर, ओनली नंबर अलाउ और कर दिया क्या? ओके, देखो क्लिक करेंगे, देखो मैसेज, देखो मतलब वैलिड डाटा क्या है? ओनली नंबर अलाउ, ओनली नंबर अलाउ, ओनली नंबर अलाउ, समझे? और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक लिखते हैं तो आ जा रहा है, ये गलती आ जा रहा है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको भी सही करना है। तो क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट और आ जाएगी कहाँ? डाटा में। और ये भी एरर अलर्ट दिख रहा है आपको, एरर क्या देना है तो लिख दिया। वैलिड डाटा लिख देंगे, फिर से देख लो एरर अलर्ट में आएंगे, और टाइटल में लिख देंगे वैलिड डाटा। एरर में क्या देना है? समझे? कर दिया ओके। अब देखो जैसे टेक्स्ट लिखूंगा तो मैसेज दे देगा, यहाँ पे भी दे रहा है, और ध्यान नहीं दिए तो इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देगा अलाउ ओनली नंबर। अभी आ रहा था बड़ा सा चिट्ठा लिख के, अब नहीं आ रहा है नंबर। ठीक है, करने दे रहा है क्या? बोलो, नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इन सभी ऑप्शनों का यूज करेंगे कि यह जो दिया है, यह क्यों दिया? क्लियर हुआ? मतलब यहाँ से सब सेटिंग होगा, यहाँ पे इनपुट मैसेज देंगे और यहाँ से अलर्ट लगाएंगे। अब इसमें भी दो तीन चार तीन ऑप्शन दिए, एक स्टॉप, एक वार्निंग, एक इन्फॉर्मेशन। स्टॉप मतलब रोक देगा, करने नहीं देगा। वार्निंग मतलब चेतावनी दे देगा, कर नहीं देगा। और इन्फॉर्मेशन में बस बताएगा और रोकेगा भी नहीं, जाइए करना है तो कर लो। इसलिए वैसे क्या रखते हैं, स्टॉप, रुक जाओ वहीं पे अगर गलती पाया तो। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये दोनों बना ले जाओगे। चलो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम। देखो टेक्स्ट टू कॉलम है क्या, मतलब अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट हमने लिखा है और एक ही सेल में हमने कई सारा वर्ड लिखा है, उस टेक्स्ट को उस सेल से कॉलम में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, उस सेल को कॉलम, मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा उस सेल में उस पूरे टेक्स्ट को एक एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो, लाना हो, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं, कहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं, और वहां पे पूरा नाम लिख दिया गया, क्या? राहुल कुमार शर्मा लिख दिया। बोलो यहाँ पे लिख दिया गया रोहन कुमार यादव। बोलो, और लेकिन बाद में हमसे कहा जा रहा नहीं, ये जो आपने लिखा है ना आपका नेम, ध्यान देना, ये जो नेम होना चाहिए नेम में रहना चाहिए, उसके बाद से जो कुमार है वो मिडिल नेम में होना चाहिए, और जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम में होना चाहिए। तो आप बताओ ऐसे 10 20 50 लिस्ट बना के रखा हूं, बोलो, और सही करना तो दिक्कत होगी ना, टाइम लगेगा ना, लेकिन अगर टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करते तुरंत सेकेंडों में हो जाए। आपको ये कैसे होगा? चलो हम कुमार यहाँ लाना चाहते हैं और लास्ट नेम यहाँ लाना चाहते हैं, बोलो, बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे डाटा टैब में, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। आपको क्या लगाए थे? टैब, सेमीकॉलन, कामा, स्पेस या अदर। तो टैब इस्तेमाल करना हमको, बस टैब करके कर देंगे नेक्स्ट, फिनिश। कहाँ गया जी? टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। और क्या रखना हमको? स्पेस दिया ना, तो भी टैब नहीं लगा इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पेस लगाया है, क्या लेंगे यहाँ से? स्पेस। अब नेक्स्ट, अब फिनिश। का दिक्कत है? आराम से बनाइए, तो बीच में हेडिंग हटा दीजिए। ये नहीं समझेगा कौन कहाँ जाएगा। मतलब इतना समझने की कोशिश अगर देखो दिक्कत उसके लिए कॉलम हटा देंगे तब इसके लिए तो तरीका नहीं था, आराम से नॉर्मल लिखिए। मतलब अगर आप चाहते हो तो ये क्या होता है कि आपको लग रहा नहीं हमने एक सेल में हमने दो वर्ड लिखा है, पहला ये दूसरा, इसको इसी में रहने देना चाहते उसके बाद वाला दूसरे में ट्रांसफर करना चाहते हो, समझे? या चाहे तीन को लिखा हो ए बी सी, तो ए यही में रहने देना चाहते हो, बी बी अगले वाले में चला जाए, सी अगले वाले में चला जाए, उसके लिए होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर बताया हूं कि ऐसे लिखा तो ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब यह है कि अगर सेल में बहुत सारा वर्ड लिखा है तो पहला वर्ड है या दूसरा या तीसरा या चौथा है, तो ये पहला पहले में आ जाएगा और जो तीन हुए तीन वाले में आ जाएंगे, ए में एक बी में और एक सी में। अच्छा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कोई नहीं, हमसे मतलब नहीं, समझे? और ऐसा होता है जल्दबाजी में खूब लिख देंगे, ठीक है, बहुत लंबा सब टॉपिक लिख देते हैं पूरा, मानो लाख दिल्ली राहुल रमेश, जल्दबाजी में पूरे तीनों के नाम को अलग करना, रमेश राहुल इसी में रह जाएंगे, रमेश नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे और सुरेश नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह एक एग्जांपल के तौर पे समझाया जिससे आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है? हाँ, जैसे देखो मान लो जल्दीबाजी में कोई हमसे बोल दिया कि बाबू तो ये नोट कर लो, तो इनका इनका नाम तो कितने लोग नाम है तो नहीं पता हमको, बस बोल दिया, बोलिए सर, लिख दिया राम रमेश सुरेश रवीश रोहन, देखो इतना नाम लिख दिया। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ नहीं कितना नाम है सबको अलग अलग करना है, तो सेलेक्ट टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड नेक्स्ट स्पेस नेक्स्ट फिनिश, देखो सबका नाम अलग अलग आ गया, राम रमेश सुरेश रवीश। टैब लगाएंगे तो अपने आप सेल में चला जाएगा, ठीक है? तो टैब इसलिए वहां पर चेक बॉक्स में क्लिक किए हैं तो स्पेस के हिसाब से जितना वर्ड पाए वो नेक्स्ट वाले सेल में चला जाए, समझे? अगर नहीं लगाए तो नहीं जा पाए, इसलिए लगाए। अगर कामा लगाए होते तो कामा वहां पर लिखते कैसे, जैसे मान लो लिख दिया राम और एंड रोहन, इस बार एंड लगाया बीच में ना, तो यहाँ पे अलग करना है सेलेक्ट डिलिमिटेड नेक्स्ट और यहाँ पे स्पेस हटा देंगे, अदर कर देंगे और क्या एंड बता देंगे, एंड हम लिख के बताएंगे, लिख दिया यहाँ पे बस नेक्स्ट फिनिश आ गया राम और रोहन, समझे? तो जो लगाएंगे उसी सब तो अलग होगा, नहीं लगाएंगे अगर सब एक ही में लिखा होता तब बबलू रामू सोहन अब करके दिखाओ तो इसको हो पाएगा नहीं, कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, लगे कि हाँ ये अलग है या अलग है, तब करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कर लोगे?